बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मैं आपको वाइटनिंग फेस मास्क बताऊंगी जिसको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करना है और फिर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की स्किन का कलर भी फेयर हो जाएगा, आपके चेहरे की स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी। आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, चेहरे की स्किन बहुत ड्राई होने लगती है, तो इसके लिए आप इस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। आपके चेहरे की स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी और कलर भी फेयर हो जाएगा। नाज़रीन, इस मास्क को तैयार करने के लिए आपको तीन चीज़ें लेनी हैं। एक आपने दूध लेना है, ये जो आपको प्याली में नज़र आ रहा है ये मैंने पहले से निकाल के रख दिया है प्याली में। इसमें आपने आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच इसमें आपने शहद को ऐड करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तकरीबन एक चम्मच या दो चम्मच जितना आपने दूध ले लेना है, इसमें आपने आधा चम्मच शहद मिक्स करना है और आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर मिक्स कर लेना है। इन तीनों अज़ा का आपने अच्छा सा मिक्सर तैयार कर लेना है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, उबला हुआ भी ले सकते हैं, कच्चा दूध भी आप ले सकते हैं। और इस मास्क का इस्तेमाल आपने हफ्ते में 2 से 3 दिन अपने चेहरे की स्किन पर अप्लाई करना है और इंशाल्लाह आपके चेहरे की स्किन का कलर भी फेयर होगा, स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी और पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।